okay? Students, we will do English today, okay? So as you all know that we have completed our lesson number 6, explanation part, okay? So now let's start our next, that is exercise part. That is given in your tulip, page number 42 page number mein diya hua hai. So all of you take out your tulip and look here. Choose the correct answer and fill in the blanks, okay? Dash and Dash were best friend. Kon kon best friend the? First blank ke option hai Mr. Frog, Mr. Bull, Mr. Rabbit. Second mein hai Mr. Elephant, Mr. Cow, Mr. Ox. Chalo bata kon kon best friend the? Kon two best friend the? फर्स्ट ब्लैंक में आएगा मिस्टर फ्रॉग एंड मिस्टर ओक्स, थे ना फ्रॉग एंड ओक्स. फर्स्ट ब्लैंक में आएगा मिस्टर फ्रॉग, सेकंड में आएगा मिस्टर ओक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर फ्रॉग वांटेड टू बिकम लाइक डैश. मिस्टर फ्रॉग किसकी तरह बनना चाहता था? मिस्टर ओक्स, मिस्टर एलिफेंट, मिस्टर रैबिट. यस मिस्टर ओक्स, यस ओक्स इज योर करेक्ट आंसर. वो ओक्स की तरह बनना चाहता था ना, एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल. यस और नो? बिग. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गेव मिस्टर फ्रॉग एन आइडिया. चलो मिस्टर फ्रॉग ने आइडिया दिया था, किसने दिया था आइडिया? एंड योर ऑप्शंस आर मिस्टर ओक्स, मिस्टर रैबिट, मिस्टर बुल. यस मिस्टर रैबिट, रैबिट ने आइडिया दिया था. यहाँ पे रैबिट आएगा, मिस्टर रैबिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ब्लोटेड अप एंड टर्न्ड ब्लू. ब्लू कौन हो गया था? एकदम फ्रॉग हो गया था ना, उसने अपने ब्रीथ को ऐसे होल्ड करके रखा था, इसीलिए वो पूरा ब्लू हो गया था. कौन हो गया था? मिस्टर फ्रॉग. सो मिस्टर फ्रॉग इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, डैश रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस एट द एंड. यस उसने जो बेवकूफिया की थी उसने लास्ट में रियलाइज़ हुआ. किसको रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? फ्रॉग को रियलाइज़ हुआ था ना, तो यहाँ पे आएगा मिस्टर फ्रॉग. मिस्टर फ्रॉग इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर टू, पुट अ राइट इफ द सेंटेंस इज राइट और अ रॉन्ग इफ इट इज रॉन्ग. फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ओक्स वॉन्टेड टू बिकम लाइक मिस्टर रैबिट. नो, ओक्स रैबिट की तरह बनना चाहता था? नो, फ्रॉग बनना चाहता था ओक्स की तरह. यस और नो? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा रॉन्ग. नेक्स्ट, मिस्टर ओक्स वॉज बिग एंड पावरफुल. यस ओक्स तो बहुत ही बड़ा बिग होता है ना, एकदम बिग और पावरफुल भी था, तो यहाँ पे आएगा राइट. नेक्स्ट, मिस्टर फ्रॉग कुड नॉट कैच अ फ्लाई विथ हिज टंग. क्या फ्रॉग अपनी टंग से कोई भी फ्लाई को कैच नहीं कर सकता है? ऐसा कहा गया है, कुड नॉट. इज इट राइट और रॉन्ग? यस दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वो तो कैच कर पाता है ना, फ्रॉग तो स्मार्ट होते हैं. नेक्स्ट, मिस्टर रैबिट हेल्ड हिज ब्रेथ. क्या मिस्टर रैबिट ने अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखा था? नो, दिस इज रॉन्ग. मिस्टर फ्रॉग ने रखा था, रैबिट ने तो आइडिया दिया था, है ना, तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा. लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर फ्रॉग रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस. यस अभी फ्रॉग को अपनी फुलिशनेस रियलाइज हुई, लास्ट में हुई थी. यस राइट, यहाँ पे राइट आएगा. ठीक है, सो दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो. नाउ ग्रामर पार्ट पे आ जाओ सब. सी ऑल ऑफ यू ग्रामर पार्ट. वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और वर्ब. यस कोई भी एक्शन जो एक सेंटेंस में कोई भी एक एक्शन रिप्रेजेंट होता है, कोई भी वर्ड, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्शन वर्ड. फॉर एग्जांपल, ईटिंग, प्लेइंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सब एक्शन वर्ड है. द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस डज द एक्शन. यस एग्जांपल, द कैट रन्स आफ्टर द रैट. हियर द सब्जेक्ट कैट डज द एक्शन. कैट ने क्या किया था? वो रन कर रही थी ना, तो रन इज द एक्शन. सब्जेक्ट कैट है बट रन इज द एक्शन. देयरफॉर रन इज एन एक्शन वर्ड और अ वर्ब. देखो आया ना, ये स्मॉल एक्टिविटीज हम करते हैं, सबका ध्यान यहाँ पे. लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब. आपको पिक्चर देख के ये फिल करना है. ओके रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन, माई मदर डैश माई ब्रेकफास्ट. अभी मदर क्या कुक्स और रन्स? मदर ब्रेकफास्ट क्या कुक कर रही है या फिर रन कर रहे है?
कुक्स आता है ना स्टूडेंट्स, माय मदर कुक्स माय ब्रेकफास्ट। देखो वो कुक कर रही है, रन थोड़ी ना कर रहे हैं मदर। पिक्चर देख के आपको सही एक्शन वर्ड लिखना है यहाँ पे। कुक्स इज योर करेक्ट आंसर, टिक भी करना है और यहाँ पे लिखना भी है। द डॉग डैश अराउंड द हाउस, डॉग क्या कर रहा है देखो तो, स्लीप्स या रन्स, आप खुद ही देखो पिक्चर में। रन्स, यस रन्स इज योर करेक्ट आंसर, टिक भी करो और ब्लैंक में भी लिखो। थर्ड, आई डैश टू स्कूल, आई प्ले टू स्कूल या आई गो टू स्कूल, वो जा रहा है या फिर खेल रहा है, जा रहा है ना, तो आई गो टू स्कूल, गो पे आएगा, गो पे टिक भी करो और यहाँ पे ब्लैंक पे भी लिखना है, जी ओ गो। नेक्स्ट, द गर्ल डैश इन द पूल, गर्ल क्या कर रही थी, वॉक्स या स्विम्स, देखो स्विम्स, यस स्विम पे टिक करो स्विम्स और यहाँ पे भी लिखना भी होगा। लास्ट, मिस्टर यादव डैश हिज कार, ड्राइव्स और वॉशेस, देखो ये मिस्टर यादव क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है या फिर वॉक कर रहा है, यस ड्राइव कर रहा है, तो ड्राइव्स पे टिक करो और यहाँ लिखना भी है ड्राइव। सो स्टूडेंट्स अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड, आपको भी अपनी ड्यूटीज में कंप्लीट करना है ठीक है, आपको आपके आंसर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।